हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो आज अपन बात करने वाले हैं गियर नेटवर्क के विड्रो के बारे में। जी हाँ, आपको सबसे पहले प्रूफ में दिखाऊंगा। आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा डिपॉजिट कन्फर्म हो चुका है 27 USDT का। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बैलेंस है अपना गियर नेटवर्क से आया है। बट इससे विड्रॉ कैसे लेना है गियर नेटवर्क से, अभी का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलते, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते। तो चलते बात करते हैं। इसके लिए आपको जो विड्रॉ का प्रोसेस होगा उसके लिए आपके पास तीन एप्लीकेशन चाहिए। सबसे पहला चाहिए बायबिट, दूसरा चाहिए क्वाइन क्रेड प्रो और तीसरा चाहिए गियर नेटवर्क। गियर नेटवर्क तो होना ही चाहिए। बट एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, बायबिट का एप्लीकेशन का जो अपने पास KYC कैसे करना है, वहाँ से साइन अप कैसे करना है, गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, टोटल ट्यूटोरियल अपने पास है, प्लेलिस्ट है उसका। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जा करके बायबिट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बायबिट के अलावा बाइनेंस है या OKEX है या कुकवाइन है या आपके पास कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, आप वहां से भी विड्रो ले सकते हैं बायबिट के अलावा। तो चलते उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वाइन प्रो के बारे में बताना चाहूंगा, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करना होगा मेरे दिए हुए रेफरल लिंक से, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। जो लिंक रहने वाला, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस लिंक को क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको नॉर्मली करना होगा कि KYC करना होगा। KYC करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, KYC करने के लिए आपको इस सेक्शन में आना होगा। KYC करने के लिए इस सेक्शन में जब भी आते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको जाना होगा KYC वेरिफिकेशन में। जब भी KYC वेरिफिकेशन में जाते हैं, एक चीज़ यहाँ या और याद रखें, आपको एक चीज़ और यहाँ करना होगा, गूगल ऑथेंटिकेशन। तो बायबिट में मैं जैसे बताया हूँ गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, उसी तरह से इसमें भी करना है। जी हाँ, आपको गूगल ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको नॉर्मली सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना होगा। जब भी आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर देख सकते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ नंबर्स दिखेंगे, उस नंबर्स को कहाँ पे जाना है, गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैं बायबिट में आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद, KYC करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे करने को बताया था, सेम टू सेम इसमें भी करना है। उसके बाद वहाँ कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद ये सब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें ईमेल ID, फोन नंबर चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको KYC वेरिफिकेशन में जाना है। KYC वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपको तीन चीज चाहिए रहेगा। सबसे पहला पेन वेरिफिकेशन, पेन कार्ड चाहिए रहेगा, पेन कार्ड का वेरिफिकेशन कर ले। उसके बाद क्या करें, आधार कार्ड वेरिफिकेशन करेंगे। आधार कार्ड वेरिफिकेशन जब करेंगे, जब अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे तो वहाँ से अपने अपना जो होगा एक मैसेज जाएगा। मैसेज किसके ऊपर जाएगा, आपके जो भी अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर मैसेज आएगा, वो नंबर चाहिए। उसके बाद आपका सेल्फी वेरिफिकेशन चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड का लिंक नंबर नहीं है तो आप यहाँ से ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जब भी ऑफलाइन को क्लिक करते हैं तो आपको नॉर्मली यहाँ से सब ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास आधार लिंक नहीं है तो आप ये ऑप्शन को अपना सकते हो, ऑफलाइन में जा करके अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वो ऑफलाइन हो जाएगा। बट ऑनलाइन का प्रोसेस थोड़ा जल्दी होगा तो ऑनलाइन करने में ज़्यादा बेटर रहने वाला। अगर आधार कार्ड एड नहीं है तो आप ऑफलाइन जाए। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा, आपको क्या करना रहेगा, आपको नॉर्मली जाना रहेगा। आप एक चीज़ याद रखें तो आपके पास सबसे पहले गियर नेटवर्क में जाना होगा। गियर नेटवर्क में जाते, अगर आपके पास गियर नेटवर्क नहीं है और ये क्या होता है, इसके ऊपर भी अपने पास एक वीडियो है, तो उस वीडियो को जा करके देख लेंगे। वहां से आपको सीखना होगा, जो भी सीखना होगा सीख सकते हैं। इसका रेफरल कोड 40EOA1, जो अपना गियर नेटवर्क है वो भी यूज कर सकते हैं, आप वहां से आगे चल बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो बात करेंगे, आपका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा गियर नेटवर्क का। उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना होगा, आपको यहां नीचे जाएंगे, आपको टोटल इनकम देखने को मिल जाएगा। जब भी आप यहां से क्लिक करते हैं तो अपने पास जितने भी कॉइन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कॉइन है आपका, जिसमें कॉइन पड़ा हुआ, नॉर्मली उसको क्या करें, ट्रांसफर कर ले। जब भी आप ट्रांसफर करते तो जो भी कॉइन होगा अपना चल जाएगा गियर वॉलेट में, इन गियर टू गियर वॉलेट में चल जाएगा। आपको कहां देखने को मिलेगा, सब कॉइन सभी को ट्रांसफर कर ले, इसमें जितना है सबको ट्रांसफर कर लेंगे। आपको ये कॉइन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। जब भी आप ऊपर जाएंगे तो आपको इस जगह कॉइन देखने को मिलेगा, तभी आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहां से देखेंगे कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहां से विड्रो USDT आपको दिख रहा होगा, आपको विड्रो USDT दिख रहा है तो अपने जो एप्लीकेशन को सबसे पहले अपडेट कर लेंगे गूगल पे जा करके। अगर विड्रो USDT दिख रहा है तो फिर से एप्लीकेशन को बंद करेंगे, ऐसे करके फिर से एप्लीकेशन को खोलेंगे।
जब भी वहां से गियर विड्रॉ नहीं आएगा तब तक आप ऐसा करेंगे, दो तीन बार में आ जाएगा आपको, इसको क्लिक कर देंगे, यहां से कट कर देंगे, उसके बाद आप यहां से फिर से यहां से ओपन करेंगे, आप यहां से देख सकते हैं, आपको यहां से देखने को मिल जाएगा विड्रॉ गियर। जब भी आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहां से क्या करना होगा, आपको यहां से इस ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां से कंटिन्यू कर लें, कंटिन्यू करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां से BP20 यहां से गियर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको नॉर्मली क्लिक करेंगे, आपको ये एड्रेस मांगेगा, ये एड्रेस आपको कहां से लाना, आपको नॉर्मली जाना होगा एक कहां पे क्वाइन क्रिएट प्रो एप्लीकेशन पे। जब भी आप इस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ये कहां मिलेगा, आपको ये विड्रॉ सेक्शन में मिल जाएगा, आपको यहां से विड्रॉ सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जब सॉरी डिपॉजिट सेक्शन में आपको जाना होगा, डिपॉजिट सेक्शन में आपको जाने के बाद क्या करना होगा, जब भी डिपॉजिट सेक्शन को क्लिक करते हैं तो आपको यहां से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको नॉर्मली यहां पे क्लिक करना है। जब आप यहां से क्लिक करते हैं नीचे जाएंगे आपको गियर देखने को मिलेगा, GYR करके गियर करके आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं गियर टोकन, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहां से ऐसा देखने को मिलेगा, आपको नॉर्मली क्या करना, इस वॉलेट एड्रेस को, इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। इस कॉपी किए हुए एड्रेस का आपको कहां जाना होगा, आपको जाना होगा गियर नेटवर्क में, जहां से अपन विड्रॉ का सेक्शन देखे थे, जहां पे अपन छोड़ के गए थे अभी तुरंत। उसके बाद वहां से क्या करें, यहां से पेस्ट कर देंगे, यहां से गियर वॉलेट, उसके बाद यहां से क्या करेंगे, आप पेस्ट कर देंगे गियर वॉलेट एड्रेस को जो अपन कॉपी किए थे। जब भी पेस्ट करेंगे तो आपको कितना क्वांटिटी है, आप यहां से 100% कर लेंगे। जब 100% करते तो आपके पास, मैं यहां से विड्रॉ कर चुका हूं इसलिए मेरा कॉइन नहीं दिख रहा है, तो आपके पास टोटल कितना आप यहां से कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 10.2 है ना तो 10 ही करें, 10.4 है, 10.6 है, ऐसा है, 20 है, 50 है, 100 है, 100 पॉइंट कुछ है, तो 100 ही करेंगे तभी होगा, 100 करेंगे यहां से। अगर 50 है, 50 पॉइंट कुछ है तो 50 करेंगे, वहां से क्या करेंगे, यहां से विड्रॉ कॉइन लगा देंगे। जब विड्रॉ कॉइन लगाएंगे तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे आप यहां से कि विड्रॉ हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, यहां से नॉर्मली आप जब भी एक उसको करने के बाद आपको आना होगा कौन सा एप्लीकेशन पे, कॉइन क्रोट प्रो पे, कॉइन क्रिएट प्रो पे, आपको नॉर्मली यहां से क्लेम डिपॉजिट पे जाना होगा। क्लेम डिपॉजिट की जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ देर के बाद यहां से सक्सेस हो जाएगा, आपको ऐसा सक्सेस दिखेगा। आपके पास अगर नहीं हुआ डिपॉजिट तो उसके बाद फिर से क्या करें, आप यहां से ऐसे कट कर देंगे, उसके बाद यहां से डिपॉजिट पे जाएंगे। डिपॉजिट पे जाएंगे आपको क्या करना होगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो हिस्ट्री जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करते तो आप यहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि अपना जो भी रहेगा डिपॉजिट का, आप सॉरी सबसे पहले यहां से कॉइन चेंज कर लेंगे। कॉइन आपको यहां से गियर नेटवर्क करना होगा, GYR करके नीचे कॉइन सेम टू सेम जो मैं आपको बताया था, इसको ऐसे करेंगे। आपको यहां से हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको यहां से देखिए मेरा अप्रूव हो चुका है ना, तो आपको यहां से देखने को मिलेगा कि यहां से डिपॉजिट का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको यहां से क्या करना है, फिर से एक बार क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या देखेंगे, आपका जो कॉइन होगा आपका डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा तो आपको इस जगह पर आपका कॉइन दिखेगा वॉलेट सेक्शन में। वॉलेट सेक्शन में आते हैं तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा आपका टोटल कितना वर्थ है, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा, आपको वर्थ देखने को मिलेगा। आपको नॉर्मली क्या करना है, यहां से सर्च करना है GYR गियर टोकन, यहां से सर्च करते हैं तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा आपके पास टोटल कितना कॉइन यहां से देखने को मिल जाएगा। अगर यहां से कॉइन देखने को नहीं मिल रहा तो उसके लिए मैं आपको बताया था कि आपको नॉर्मली होम सेक्शन में जाना है, जो आप मैं आपको बताया था कि यहां से डिपॉजिट सेक्शन में फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेम टू सेम प्रोसेस आपको यहां से जो GYR सर्च करना है, GYR को सिलेक्ट करना है। जब आप GYR को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद का जो ऑप्शन रहेगा, आपको हिस्ट्री सेक्शन में जाना होगा। हिस्ट्री सेक्शन में जाने के बाद यहां से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहां से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना रहेगा, उसके बाद एक चीज़ करना रहेगा अपने पास, उसके बाद आपको यहां से एक ऑप्शन में जाना रहेगा, यहां से ट्रेड का ऑप्शन देख सकते हैं, ट्रेड को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब भी ट्रेड ऑप्शन को क्लिक करेंगे आप, जब भी आपका गियर में टोकन दिखना स्टार्ट हो जाएगा तभी का आपको प्रोसेस बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है, BTC USDT को यहां से क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप यहां से नीचे जाएंगे आपको GYR USDT देखने को मिल जाएगा। आप जब भी नीचे जाएंगे आपको कहीं पर GYR USDT देखने को मिलता है, या आप यहां से नॉर्मली सर्च कर सकते हैं GYR। अगर सर्च करेंगे यहां से देख सकते हैं GYR USDT, आप इसको नॉर्मली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जब आप ऐसा देखते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां से नॉर्मली आपको सेल पे जाना होगा। सेल पे जब भी आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहां से आपको टोटल गियर देखने को मिल जाएगा, कितना गियर आपके पास है यहां से देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप यहां से 100% को क्लिक कर देंगे, 100% का ऑप्शन होगा, यहां से क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेल GYR कर देंगे। जब सेल करते हैं तो जो भी आपका GYR टोकन होगा किस में बदल जाएगा, USDT में। आपको सभी USDT
रेट यहां से देखने को मिल जाएगा। और यूएसडी में जब भी कन्वर्ट होगा उसके बाद का जो प्रोसेस होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना होगा, आपको वो यूएसडी आपको यहां से देखने को मिलेगा। आपको जैसे आप यहां आएंगे, यहां से वॉलेट सेक्शन में आएंगे, आप वॉलेट सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे आपको यहां से सर्च करेंगे यूएसडीटी, आपको यहां से टोटल यूएसडीटी देखने को मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से सेलेक्ट करते तो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको यहां से विड्रॉ सेक्शन में जाना होगा। विड्रॉ सेक्शन में जाते तो यहां से एड्रेस मांगता है, यहां से एड्रेस, यहां से नेटवर्क, यहां से अमाउंट। तो आपको क्या करना होगा, यहां से एड्रेस को, नेटवर्क को नॉर्मली यहां से BEP20 कर ले, क्योंकि इसका थोड़ा कम वैल्यू, इसका जो ट्रांजैक्शन फी होता है कम होता है, तो यहां से BEP20 को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जब भी BEP20 को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको कहां जाना होगा, बायबिट पे जाना होगा या बाइनेंस पे जाना होगा या कुकॉइन पे जाना होगा। वहां से आपको कॉपी करना होगा एड्रेस को, यूएसडीटी के एड्रेस को कॉपी करना होगा। उसके बाद यहां से पेस्ट करने वाले अपन, तो आपको जैसे बायबिट ओपन करेंगे या अपना जो भी आपके पास एक्सचेंज है उसको ओपन करेंगे, आपको यहां से नॉर्मली क्या करना है, आपको यहां से करना होगा एक चीज, यहां से डिपॉजिट सेक्शन को क्लिक करेंगे। जब भी डिपॉजिट सेक्शन को क्लिक करेंगे आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहां से क्या करना होगा, यूएसडीटी सर्च करना होगा, यूएसडीटी। जब भी आप इसको सर्च करते हैं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ से वॉलेट एड्रेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से नॉर्मली BEP20, क्योंकि आप वहाँ डिपॉजिट किस में करने वाले हैं, BEP20 में करने वाले हैं, यहाँ से आप नेटवर्क को भी BEP20 सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से सॉरी आप यहाँ से BEP20 यहाँ देख सकते, BSC BEP20 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ये वॉलेट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखें, यहाँ से UHD थिएटर रहना चाहिए, यहाँ से BEP20 रहना चाहिए और तब ये इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करेंगे। इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको कहां जाना होगा, आपको नॉर्मली जाना होगा इस सेक्शन में जो अपना क्वाइन क्रेडिट प्रो का एप्लीकेशन है उसमें जाना होगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो प्रोसेस होगा, यहाँ से डायरेक्ट अपने को विड्रॉ करना होगा। आपको नॉर्मली कहाँ जाना था, आपको यहाँ से वॉलेट सेक्शन में अपन गए थे, या आप यहाँ से वॉलेट सेक्शन में, ठीक है वॉलेट सेक्शन से ही करते ज़्यादा बेटर होगा। आप वॉलेट सेक्शन में जाते तो यहाँ से अपना USDT सर्च करते हैं, USDT आप यहाँ से सर्च करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं विड्रॉ का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहां से एड्रेस मांग रहा है, आप यहां से एड्रेस डाल देंगे, इंटर एड्रेस, जो भी एड्रेस अपन कॉपी किए थे वो एड्रेस यहां डालेंगे। उसके बाद यहां से नेटवर्क को चूज कर लेंगे, अपना नेटवर्क कौन था, BEP20 यहां सर्च करेंगे और जितना भी अमाउंट होगा आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। अगर $10 है तो यहां से $10, $20 है तो आपको यहां से $20 जितना होगा वो वहां से आप यहां से विड्रॉ लगाएंगे। तो यहां पे अपने पास दो जगह आपका कोड जाएगा, एक तो सबसे पहला कोड होगा आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, जो भी आप लॉगिन करेंगे जिस ईमेल आईडी से उस कोड को डालेंगे। दूसरा अपना गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाएगा और गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड जो होगा, इसका जो बायबिट का कोड बार बार जो बदल रहा होगा, उस कोड को यहाँ डालेंगे, उसका विड्रॉ में लगाएंगे तो आपका 10 मिनट के अंदर विड्रॉ आपके अकाउंट में चल जाएगा। और वहाँ से कहाँ पे चल जाएगा, आपका एक्सचेंज में। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो बायबिट का एक्सचेंज है, और आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास टोटल, यहाँ से आपको सब चीज़ दिखाता हूँ मैं, मेरे पास कितने यहाँ से USDT पड़े, क्या पड़े, सब चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ से इसे एसेट सेक्शन में चलते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास टोटल 35 है, मेरे स्पॉट में $27 अपने पास पड़े हैं। तो आपको यहाँ से स्पॉट में देखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका P2P कैसे करना है, बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, उसके ऊपर अपने पास उस सीरीज में टोटल वीडियो अपने पास है, आप उस वीडियो को जाकर के देखेंगे। तब पर भी आपको प्रॉब्लम होता था, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जाके कर सकते हैं, वहां से मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं। अगर इस अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक खास बात ये रहने वाला है कि मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं आप लोग को, मैं आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं सबको ट्रेडिंग सिखाऊंगा कि ये कैंडल स्टिक क्या होता है, ये बुलिश कैंडल क्या होता है, बेयरिश कैंडल क्या होता है, कैसे अपन ट्रेड करते हैं, ट्रेड क्या होता है। तो उसके ऊपर भी अपने पास दो वीडियो बन चुके हैं, इसका रेगुलर वीडियो आने वाला है दोनों, जिससे पैरेलल तो अपना जो माइनिंग का, चाहे गियर नेटवर्क का, चाहे जो भी अपना, सब पैरेलल चलते ही रहेगा। तो उसके लिए आप हताश ना हुए और कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, इस बात को हमेशा याद रखें। तो चैनल पे बने रहे और अपना प्यार बरसाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।